डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत काम की वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आपको जो एक दुविधा हो रही है इस एग्जाम से पहले, उसका एक सलूशन है मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, बहुत बच्चे जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब यहाँ पे तीन तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जिन्होंने काफी तैयारी कर ली थी, जो श्योर थे कि यार ये वाला पेपर हमको निकालना है, लेकिन क्या हुआ, फिर ये कोरोना का आउटब्रेक आ गया, लॉकडाउन हो गया, पढ़ाई से उनका मन हटने लग गया। और अभी क्या है, एक तो या तो उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं इस चीज को लेकर के कि यार ये क्यों हो गया है पोस्टपोन। बहुत बच्चों को खुशी नहीं है। उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ रहे थे 3 मई के पेपर के लिए, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि यार अच्छा खासा मेरा फ्लो बन गया था, इसकी वजह से बिगड़ गया। दूसरे टाइप के जो बच्चे हैं वो ये सोच रहे थे कि यार मैंने बोर्ड्स के लिए ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, इतने कम समय में मेरा नीट का पेपर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, लेकिन अगले साल ड्रॉप करके तो मेरा 100% निकलना है। बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे। तीसरे टाइप के बच्चे वो हैं जो कोशिश करते हैं, जो सोचेंगे यार अपना बेस्ट दो, जो यू नो 2 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा यार मैं 2 महीना पहले पढ़ूंगा, 3 महीना पहले पढ़ूंगा, बोर्ड्स की तो मेरी प्रिपरेशन अच्छे से है ही, तो मैं डेफिनेटली एग्जाम निकाल लूंगा, ठीक है। अब ये तीनों ही टाइप के जो बच्चे हैं, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है अब शेड्यूल जो है स्टार्ट कैसे करें। सबका फ्लो टूट चुका है, हो सकता है बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ रहे हैं जिनका फ्लो नहीं टूटा है, बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का फ्लो बिगड़ गया है, तो वो तैयारी कैसे करें। तो अभी क्या है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हो आप भूल रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चों का बहुत सारा हो गया है, अब वो क्या करें, ये उनके में आ रहा होगा। तो अब आप वीडियोस देख रहे हैं, आप जगह जगह आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हम किस तरीके से करें। 3 मई को होने वाला पेपर अब आपका लास्ट वीक में होने वाला है, यानी कि मई के आपके पास 20-22 दिन मान लो पूरे, ठीक है, अप्रैल के पूरे 30 दिन आपके पास हैं, ठीक है। अब इतने सारे आपके पास दिन हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि हर टाइप का बच्चा, जिसकी तैयारी है, जिसकी तैयारी नहीं है, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत है, क्या आप इन दिनों में ये क्लियर कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली बिल्कुल आपका एग्जाम निकल सकता है, आपको बस मन लगा के पढ़ना है, सिस्टमैटिकली पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, और अपनी जो गलतियां हैं, अपना जो पूरा रिवीजन है, प्रिपरेशन है, उस पर ट्रैक रखना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रॉपर जो है कह सकते हैं टाइम टेबल लेके आई हूं, डेफिनेटली आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं आपके चैप्टर्स उसमें फिल नहीं करने वाली, आपका टाइम उसमें फिल नहीं करूंगी, पर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी तैयारी के साथ। अब देखो, सबसे पहले एक चीज सभी बच्चों को समझ लो, ये जो मैंने टाइम टेबल आपको बता रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए भी है जिनकी काफी ज्यादा तैयारी हो चुकी है। तो वो उन पे है कि वो इस टाइम टेबल का यूज कैसे करेंगे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो बस इतना फर्क है कि अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जिसको आता है वो बच्चा 1 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, और जिसको नहीं आता है वो बच्चा 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट करेगा, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने बोर्ड्स के लिए तो पढ़ा होगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तीनों बोर्ड्स के लिए तो आप पढ़ चुके हैं, पेपर आपके तीनों के हो गए हैं, तो तैयारी काफी हद तक हो गई है, तो क्यों पीछे हट रहे हो, अभी ही शुरू हो जाओ। क्योंकि अगर कुछ जितने लेट स्टार्ट करोगे, खोल के देखोगे किताबें, बोलोगे शिट यार ये मैंने कितनी मुश्किल से याद किया था, अब मैं ये भूल गया हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये सुनो कि हमारे बायो के 38 चैप्टर हैं, हमारे फिजिक्स के 28 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री के आपके पास 30 चैप्टर हैं। अगर आप डेली तीनों का एक एक चैप्टर पढ़ते हो, अब आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको डेली के तीन चैप्टर करने हैं, ठीक है। अगर आप डेली का एक एक भी पढ़ते हो तो 30 दिन में आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो पूरी हो जाएगी, और बायो के 8 चैप्टर आपके बच जाएंगे जो आगे फिर कवर हो जाएंगे।
बायो के कुछ चैप्टर बहुत छोटे छोटे भी हैं, उनको पढ़ना में जल्दी भी हो सकता है, तो आप चाहें तो इन्हीं 30 दिनों में ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अब आप देखो, 30 दिन में आपने सब चीज एक एक बारी पढ़ ली, उसमें से भी लगा लो कुछ दिन ऐसे होंगे किसी का मन नहीं करना है पढ़ने का, कोरोना आउटब्रेक में सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो किसी किसी को लग रहा होगा आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ेंगे, तो वो दिन भी माइनस कर लो, तो आपके पास टोटल आप 5 दिन और ऐड कर दो। 5 दिन से ज्यादा वेस्ट मत करना, 5 दिन और लगा लो, यानी कि 35 डेज में, 37 डेज में आप ये पूरा पढ़ सकते हो एक एक बार। आपको ये चीज फॉलो करनी है। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी चीज यहाँ पे लिख रखी है कि किस तरीके से आप यहाँ पे फॉलो करोगे। मैं आपको बताऊंगी भी कि टाइम टेबल आप कैसे बनाओ। अब देखो, आज क्या करना है आपको, आज से ही आप अपना टाइम टेबल बना लो, अपने चैप्टर डिसाइड कर लो और कल से उसको फॉलो करना। अब जैसे मैंने बताया, आज बायो का एक चैप्टर, सपोज आज से पढ़ रहे हैं, आज बायो का एक चैप्टर, आज फिजिक्स का एक चैप्टर, आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर, तो अब आपको क्या करना है, बायो के अंदर, ध्यान से सुनना, बायो के अंदर आपको चैप्टर को रीड करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है। थ्योरी क्वेश्चंस बहुत कर चुके, अपनी नोट्सबुक्स पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, एग्जाम दे दिया है आपने। नाउ स्टार्ट रीडिंग दी एनसीईआरटी। आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी रीड करने से ही नीट का पेपर बायो का निकलता है, तो सब रीड करते हैं एनसीईआरटी। तो अभी फिर से रीड कर दीजिए एनसीईआरटी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद बायो का, जैसे अभी मैं बायो की बात कर रही हूँ, आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, अब एक बुक ले लो, फिंगर टिप्स ले ली, फिंगर टिप्स बुक्स ले ली। अब आपने एनसीईआरटी रीड करने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। कोई भी बुक आप फॉलो करते हो, एररलेस फॉलो करते हो, हर किसी में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है आपने, या फिर ऐसा करो कि प्रीवियस ईयर्स की जो कंप्लीट बुक है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आपने वो बुक ले ली, उस चैप्टर से रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। अब एक नोटबुक आपने बना ली, एक नोटबुक में आप अलग अलग डिवाइड कर लो, इस तरीके की बुक मार्क्स लगा लो, आप यहाँ पे लिख लो कि अब यहाँ पे सारे फैक्ट्स हैं, नई नेम्स हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, यहाँ पे सारे डायग्राम्स की चीजें हो गई, यहाँ पे सारी बाकी चीजें हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब सारे सपोज फैक्ट्स है, चैप्टर वन उठाया, लेट सपोज लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड किया, आपने सब कुछ लिख लिया कि मोनोग्राम, मोनोग्राफ, आपने उसके बाद फ्लोरा, हर्बेरियम, जो टेक्सोनॉमिक एज है उसके बारे में, जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो बाहर से आती हैं, वो यहाँ पे लिख दी, जो आपको लर्न करने में डिफिकल्ट होता है। लेट सपोज एनिमल किंगडम ले लिया, एनिमल किंगडम जब एक दिन पढ़ा तो उसके सारे फाइलम्स और उसके सारे एग्जाम्पल्स और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिसके पॉइंट्स होते हैं, पिक्यूलर पॉइंट्स होते हैं, उसको सारा लिख लिया। धीरे धीरे क्या होगा, डेली आप हर चैप्टर पढ़ोगे, हर चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपकी कलेक्ट हो जाएगी इस नोटबुक में। ठीक है, जब आपकी ये कलेक्ट हो गई, एक चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके क्वेश्चंस लगाए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे, बट याद रहे अभी आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं उसके ऑप्शन जब आप देखोगे तो उसको भी याद रखो। जिन चीजों को आपको लग रहा आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जो आपको याद नहीं होगा, उसको अब एक सर्कल लगा लो। ठीक है, अब आ जाओ आप केमिस्ट्री में। जब हमने केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, अगेन चैप्टर रीड करना है, चैप्टर के जो जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, जितने भी बैक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, पूरे पढ़ने हैं। पहला चैप्टर उठाया, चैप्टर को पढ़ा, उसके बैक क्वेश्चंस किए, उसके इन बिटवीन क्वेश्चंस किए, और जो भी आप नोट्स फॉलो करते हो वो पढ़ लिया। एक चैप्टर पढ़ लिया, सेम एक नोटबुक केमिस्ट्री के लिए बना ली, यहाँ पे सारी रिएक्शन जो भी कन्वर्जन है, एसपीडी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली। अब ये जो मैकेनिज्म्स है वो आपने इस तरीके से लिख ली, एक आपकी केमिस्ट्री की बन गई। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन कौन से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन बायो में से आते हैं। एक बार फिर से बायो की एनसीईआरटी पढ़ी, चीजें नोट डाउन करी इंपॉर्टेंट, उस नोटबुक को साइड में रखा, प्रीवियस ईयर्स या फिर कोई प्रैक्टिस बुक्स में से उस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। फिर दिन में केमिस्ट्री में आए, केमिस्ट्री के बीच में सारे क्वेश्चंस किए, नोट्स पढ़े, एक इस टाइप की नोटबुक अपनी अपनी खुद की गाइड बना ली, सारे मैकेनिज्म रिएक्शन लिख लिए उस चैप्टर के, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस ईयर्स। एक बुक खरीद लो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज हैं, तो उसको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कर लो, जो नहीं आता सर्कल लगा लो। फिर आ जाओ फिजिक्स में।
फिजिक्स में आ गए, फिजिक्स में भी उठाया, अब उसमें क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, जितने भी चैप्टर में जो जो फॉर्मूले आते रहेंगे वो एक नोटबुक, फिर आप अपनी फिजिक्स की बना लो, वो सारे वहां पे लिखते रहो। एक ही नोटबुक को आप तीन में भी डिवाइड कर सकते हो, वहां पे आपने लिख ली, ठीक है, फिजिक्स के कर लिए, फिजिक्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लिए, फिजिक्स के सारे नोट्स पढ़ लिए। फिजिक्स जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आती हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला अटेम्प्ट करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यू डालोगे, आंसर निकालोगे, आंसर निकालना, खुद आंसर निकालना, कैलकुलेटर से मत निकालना, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, स्पीड भी बनेगी धीरे धीरे, और जितना सॉल्व खुद करोगे कॉन्फिडेंस उतना आएगा, ठीक है। ये कर लिया, अब ये तीन चैप्टर मैंने आज दिन में कवर करने हैं, कैसे करने हैं। सुबह उठते ही वो चैप्टर पहले पढ़ो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। लेट सपोज मुझे अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो मैं सुबह केमिस्ट्री पढ़ूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है यार केमिस्ट्री मुझे याद नहीं होती, तो क्या होगा लास्ट लास्ट तक अगर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा तो उस टाइम मैं वो चीज आसानी से पढ़ सकती हूँ जो मुझे आती है, जो मुझे नहीं आती वो आप नहीं पढ़ सकते ठंडे दिमाग से। तो आप सारा का सारा, मैंने केमिस्ट्री पहले पढ़ लिया यार मुझे मुश्किल लगता है, मुझे बायो इजी लगता है, मैंने बायो लास्ट में पढ़ा, अब मुझे नींद भी आ रही है थोड़ा, 10 बजे मुझे सोना है, मैं थोड़ा एक घंटे का नैप ले लिया, फिर मैंने उठ के कुछ नहीं किया तो चैप्टर रीड कर लिया और उसके क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। अगर आप डेली 2-2 घंटे भी देते हो हर चैप्टर को, 6 घंटे आपने दे दिए, 6 घंटे लगातार देने की जरूरत नहीं है, गैप्स लो, 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे दोपहर को पढ़ो, 2 घंटे शाम को पढ़ो, ठीक है, गैप्स बनाओ, ताकि जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 2 घंटे में कवर हो, 2 से ज्यादा लग सकते हैं, तो 2 से ज्यादा भी लगते हैं, 3 भी लगते हैं किसी चैप्टर में, उसके बाद आपके पास सफिशियंट गैप हो अपने आप को एंटरटेन करने का, मूड को फ्रेश करने का, ताकि अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। ये हो गया आपका एक दिन। अब क्या करना है, अब ये जितनी भी आप चीजें पढ़ रहे थे, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, 1 हफ्ते में आपको 2 दिन ऐसे निकालने हैं, 2 दिन ज्यादा पढ़ना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल दो, ठीक है। यानी कि अगर आप 6 घंटे एक दिन में पढ़ते हो हफ्ते के, तो हफ्ते के कोई 2 दिन ऐसे निकाल दो जिसमें 2 घंटा ऐड कर लो या 3 घंटा ऐड कर लो, ठीक है। उस घंटे में क्या करना है, फुल पेपर सॉल्व करना है, यानी वीकली आपको एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करने हैं। अब यहां पे मैं आपको बोल रही थी कि या तो आप इस टाइम प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ठीक है, और जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, जहां से भी आपको लगता है यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वो वाली बुक्स के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे, और जो ये हफ्ते में 2 बार आपको फुल टेस्ट सॉल्व करना है, इसको प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर्स आप एकदम लास्ट से शुरू करेंगे, यानी कि पिछले साल से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपके 1 हफ्ते में 3 सब्जेक्ट के कितने कितने चैप्टर हो जाएंगे, अगर आप संडे नहीं भी पढ़ते हो, आप हर दिन का संडे छोड़ भी देते हो, तो आपके 1 हफ्ते में 6 बायो, 6 केमिस्ट्री, 6 फिजिक्स तैयार चैप्टर, आपकी नोटबुक तैयार जिसमें चीजें आपको याद नहीं होती, आपकी बुकलेट तैयार जो क्वेश्चंस आपने कर लिए, खुद आप टिक लगाए हुए देखोगे यार मैंने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। याद रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सर्कल लगाना मत भूलना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब जब आपके पास 30-32 दिन ये निकल गए, 35 दिन 36 दिन जब तक भी आपने करा, जब आपका ये कंप्लीट हो गया, अब आपकी रिविजन स्टार्ट होगी। अब रिवीजन में आपको क्या करना है, वही जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे, जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे जो आपको याद नहीं हो रहे, उनको दोबारा देखो। जिन बच्चों की रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है वो बस एक बार देखेंगे, जिनकी थोड़ी वीक है, मुझे तो क्वेश्चन को बार बार देखना होता है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अब जाके वो बैठ गया है, तो उसको आप बार बार देखो, ठीक है। उन क्वेश्चंस को फिर से देखो, वो अब आपको परमानेंट हो जाएंगे, और जो आपने अपनी बुकलेट्स बनाई थी, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसको डेली डेली तौर पे रिवाइज करते रहो, ठीक है। आपकी लास्ट 40-45 डेज में ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, आप सब कुछ पढ़ भी लोगे, एटलीस्ट बायो में तो ये फॉलो करना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, बहुत दिन है बायो के लिए आपके पास। और फिजिक्स केमिस्ट्री की आप कोशिश करो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करो, ताकि लास्ट में, अब फ्लो धीरे धीरे टूट जाता है, कितने टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे इस पेपर का, तो
पहले ही जो चीजें मुश्किल थी ना, जो सोचा था यार अब करेंगे, वो आप पहले ही कर चुके होंगे, तो आपको एक खुद में खुशी होगी, खुद में कॉन्फिडेंट होगी, हमने पहले कर लिया। और वो 40-45 डेज के बाद आप देखोगे कितने सारे प्रीवियस ईयर्स आपने सॉल्व कर ली, जो बच गए उसको करो और रिवाइज करो। तो अब जो लास्ट के 20 दिन है आपको रिवाइज करना है। तो अब आप मानते हैं आपके पास अभी एग्जैक्ट टाइम है जब आप पेपर निकाल सकते हो, बिल्कुल, लेकिन याद रहे अभी एक भी दिन छूटा तो आगे का टाइम बिगड़ गया। अब आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है अपने काम को। तो ट्रैक करने के लिए मैं कोई भी अपना काम करती हूँ ना, टेबल्स बनाती हूँ, मैं लिखती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए, यहाँ पे क्या है, अपने डेट मेंशन कर दो कि मैंने आज अगर एक अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, 31 तारीख होगी, कल आपकी अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अभी 31 मार्च हो गया, कल अप्रैल है, आपके पास 30 दिन है, मुझे लगा था आपके पास 29 दिन है, अभी तो आपके पास पूरे 30 दिन है अप्रैल का। 1st अप्रैल, 2nd अप्रैल, 3rd, 4th करते करते लिखते चले जाओ, ठीक है, 30 डेज का यहाँ पे टाइम टेबल बना दो। नेक्स्ट में फिजिक्स एक कॉलम, बायो एक कॉलम, केमिस्ट्री और एक कॉलम क्वेश्चंस। सुबह फिजिक्स पढ़ी, टिक लगाया, आज मैंने फिजिक्स पढ़ ली, कौन सा चैप्टर, ये प्लस क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस। फिर केमिस्ट्री पढ़ा, टिक लगा दिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। ये तीनों के डेली बेसिस पे आपके टिक 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 होने चाहिए। आप ट्रैक करोगे मेरा क्या क्या छूटा है, हो सकता है किसी कोई कोई चैप्टर आपने बोर्ड में छोड़ दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक चैप्टर छोड़ ही रखा है, आज तक पढ़ा ही नहीं है, अब टाइम आ गया उसको पढ़ने का, पढ़ लो, ठीक है। वो चैप्टर टिक लगाते रहो, टिक लगाते रहो, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है यूट्यूब का हेल्प लो, अपने नोट्स का हेल्प लो, चैनल्स को फॉलो करो, जहां पे भी आपको सूट करता है वो मटेरियल पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पक्के करो, टाइम लो, जिस चीजें नहीं आती उसमें टाइम लो, अच्छे से पढ़ो, और फिर जो आपको लगता है छूट रहा है उसको नेक्स्ट डे में कवर करने की कोशिश करो। ट्रैक करते रहो, हर हफ्ते देखोगे कि यार मैंने कितना सारा कवर कर लिया। एक लास्ट कॉलम है यहाँ पे टेस्ट, मॉक टेस्ट, या तो मॉक टेस्ट करो और एक प्रीवियस ईयर्स तो करना ही है, तो वहां पे दो टिक लगा दो कि एक मैंने मॉक टेस्ट कर दिया और एक मैंने प्रीवियस ईयर्स कर दिए, दो प्रीवियस ईयर होने चाहिए हफ्ते में। तो ये है आपका टाइम टेबल, जो अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। पूरे पढ़ाई के वक्त ये चीज याद रखना, मुश्किल एंड हाई वेटेज वाली चीजें आप पहले कवर करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन पहले ही हो जाए और फिर उसको रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाए। लास्ट में छोड़ोगे, अब उसमें टाइम लगेगा पढ़ने में, अब रिवाइज करें या ये पढ़े, अरे यार छोड़ो, नहीं, पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लो फिर बाद में उसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट, आई होप आप सबका बहुत अच्छे से तैयारी हो और आप क्लियर करें। थैंक यू।